दोस्तों, आज मैं जो घरेलू नुस्खा ले के आया हूँ छोटे बच्चों के बारे में। छोटे बच्चे ये बोले कि एक दिन में छोटे बच्चों का जो सुसु होता है उसको कैसे खोले। कभी कभी गंदगी के कारण, जैसे महिलाएं लोग, नए नए महिलाएं हैं जिनकी पहली बार शादी हुई और छोटे बच्चे हो गए हैं बॉयज़, तो उनके प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन करें, जिसमें बेबी का सुसु कैसे ओपन करें, एक ही दिन में बेबी का सुसु कैसे ओपन करें जब वहाँ पे थोड़ा सा गंदगी लग जाए। गंदगी के कारण सफाई नहीं होती है, तो सफाई होने के क्या कारण होता है, जो चमड़ी जो होती है ना, चमड़ी सट जाती है। तो चमड़ी छुड़ाने के लिए आज मैं बिल्कुल ऐसे घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जिसको करने से आपको एक ही दिन में फ़र्क बुझा जाएगा। और ये कम से कम 2 से 3 बार कर लेना है, एक दिन में कर ले या 3 दिन में कर ले, आपको कम से कम ये कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब बच्चे का सुसु, छोटे बच्चे का जब सुसु नहीं खुले तो क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ना डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल सही तरीका मैं बता दूंगा, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चे को इसी चीज़ से अपना उपचार किए। तो ये है चमेली का तेल। चमेली का तेल जो सूरजमुखी फूल से जो बनता है चमेली का तेल, तो उसको क्या करना है, आप 1 रुपये के पाउच में भी ले सकते हैं आप, या बाज़ार में चमेली का तेल ही आपको लेना है, दूसरा तेल नहीं लेना, चमेली का ही तेल होना चाहिए। और इसको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ बच्चे का सुसु है, छोटे बच्चों का सुसु है, या छोटे बच्चे बार बार प्राइवेट पार्ट में हाथ डालते हैं, तो माताएं को समझ लेना चाहिए कि उनमें कुछ दिक्कत है। तो आप क्या करेंगे, इस तेल को खोल करके आपको द्रोपड़ की मदद से द्रोपड़ जो होम्योपैथी के दुकान में जो आता है ना दाबने वाला द्रोपड़, उसकी मदद से, या बच्चों का दवा लाते होंगे तो उसमें एक मिलता होगा, तो उसकी मदद से इसको एक बूंद निकाल लेना है। एक बूंद निकालने के बच्चे के सुसु के ऊपर इस पर डाल देना है। डालने के बाद 2-3 सेकंड रोक देना है, और किसी छोटे बच्चों को पकड़ के, जो 8 साल या 12 साल के बच्चे को, खुद से नहीं करना है, छोटे बच्चों से ही करवाना है। और तेल डालने के बाद आपको एक बार फूंक मार देना है, ज़्यादा कस के नहीं, ज़्यादा धीरे भी नहीं, फूंक मार देना है। हवा से क्या होगा ना, नीचे वो तेल जाएगा और धीरे धीरे वो आप उसको करेंगे तो धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएगा। ये क्रिया कम से कम 3 दिन करना है, 3 दिन में आप खुद देखेंगे इसका फर्क। और जो उसके गंदगी हो, छोटे बच्चे के सुसु में जो गंदगी हो, जो प्राइवेट पार्ट में गंदा लग गया है, वाइट रंग का जो किच्ची होता है ना आँख में, जो किच्ची होता है उसी तरह सुसु में भी किच्ची हो जाते हैं, तो सुसु का किच्ची जो क्या करना है, मुंह की लार अपना या बच्चे का मुंह की लार लेके उसको लगा देना है। और किसी कॉटन रुमाल होना चाहिए या कॉटन कपड़ा होना चाहिए, सूती कपड़ा से उसको अच्छी तरह से पोंछ लें। ध्यान रखें रुआ से नहीं पोंछना है, रुआ का कुछ रेशा है ना जो उसमें सट जाता है, इसलिए मैं ये गलती किया था, आप ये गलती ना करें। इसलिए मैं कॉटन कपड़ा में रेशा नहीं होता, कॉटन कपड़ा को पहले बढ़िया से उसको खंगार लेंगे, फिर सुखा लेंगे, सुखाने के बाद उसके जो रेशे उसे है उसको नहीं लगना, इस बात का सदा ध्यान रखें कि उसमें रेशा वेशा नहीं लगना चाहिए जिस कारण से दिक्कत हो जाए। चैनल पे अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों या उन माताओं या बहनों को ज़रूर बताएं ये नुस्खा, क्योंकि जो छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर के यहाँ दौड़ती है, ठीक, छोटा सा उपाय है, हर के घर में बच्चा होता है, हम लोग के घर में भी बच्चा है, तो हम लोग तो इसी से कर लेते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाने की झमेला नहीं है। आज मेरा 12 साल का जो बच्चा हो गया है बिल्कुल सही है, और समय समय पे एक एक हफ्ता पे हम लोग चेक करते रहते हैं।